सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, मजा मा, तू मुझे बताए, मेरी पब्लिक एकदम मजे में रहेगी यार। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एनिमेक्स चैनल था, जो कि एक ऐसा चैनल था ना जो इंडिया में बस पूरा पूरा डेडिकेटेड था एनिमेक्स के लिए, लेकिन वो बंद क्यों हुआ मुझे पता है। आप लोग आज भी उसे गालियां देते हो, उसके ओनर को, कि उसने वो चैनल इंडिया में बंद क्यों कराया। बट गालियां देने से पहले दो मिनट सोचिए, इसके पीछे बहुत बेकार, बोलते ना, उनका पास्ट है, बहुत बुरी, उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई है, उसके वजह से उन्हें वो चैनल बंद करना पड़ा। तो हम उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से फॉलो कर दीजिए और अपनी बड़बड़ बंद कर दे और वीडियो स्टार्ट कर देते। तो गाइस, जैसे मैं बात कर रहा था, एनिमेक्स जो चैनल था वो एनिमे को और इंडिया को कनेक्ट करता था, एक ऐसा जरिया था जो एनिमे और इंडिया को कनेक्टेड रखता था साथ में। तो वो बंद क्यों हुआ, उसके बहुत सारे बड़े बड़े रीजंस है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते। तो एनिमेक्स था जो लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2004 में, आज से 15-16 साल पहले, और जो क्लोज हुआ उसकी डेट थी 18 अप्रैल 2017, आज से 2-3 साल पहले। यह बंद क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, हम इस वीडियो में सबसे सारी बातें करेंगे। तो गाइस, इसमें जो टाइटल्स आते थे, जो ऑडियो आता था और जो प्रोग्राम्स आते थे, वो कौन से लैंग्वेज में थे, जापानीज में, इंग्लिश में और हिंदी में थे। हाँ भाई, वहाँ पे एनिमेज हिंदी में भी आते थे। आप सोचे, आपको लगता होगा कि भाई एनिमे और हिंदी में, वो भी इंडिया में, वो भी टीवी पे। हाँ भाई, पहले के जब 2000 सीरीज चल रही थी, जैसे 2006 टू 2010, उसके बीच हिंदी में एनिमे डब होता था। तो ये चैनल ओन करता था सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, और इनका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो इरफान पठान था। तो हाँ भाई, सच्ची इरफान पठान उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, और ये ब्रॉडकास्ट और ऑपरेट होता था सिग्नापुर से, वहाँ से सारे ब्रॉडकास्टिंग चालू होते थे, और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और इनकी टारगेट ऑडियंस थी 15 से 25 साल की लड़के लड़कियां, मतलब बच्चे, आप बच्चे बोल सकते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, कभी क्या होता था क्या, आपको टीआरपी मतलब पता होगी, हर चैनल को चलने के लिए, अपने अपने पर्टिकुलर सेगमेंट्स में चलने के लिए उनको टीआरपी लगता है। अगर चैनल के पास टीआरपी नहीं है, हम कोई शोज के बारे में बात करते हैं, हाँ शोज के भी टीआरपी होती है, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो टीआरपी मतलब क्या होती है, अगर आपके पास ना ऑडियंस सबसे ज्यादा है, जैसे अभी ना क्या चल रहा है, कलर्स टीवी चल रहा है, उस पर बिग बॉस चल रहा है, सबसे ज्यादा लोग क्या करेंगे, कलर्स टीवी पर जाएंगे। जो कंपनीज होते हैं, जो ऐड चलाते हैं, जो ऐड उनके चैनल पर देते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब कैसे मेरे चैनल पर ऐड देता है, वैसा ही एक कलर्स चैनल है, तो जैसे एनिमेक्स हम ले लेते। तो अभी एनिमेक्स पे पहले से कोई ऑडियंस जा नहीं रहा है, कोई उनके बारे में देख नहीं रहा, तो कोई कंपनी अपनी एड्स उनके चैनल पे क्यों चलाएगी। तो आप समझ रहे हो ना कि एक चैनल है जो पहले से चल नहीं रहा, और उस पे कंपनियां अपनी एड्स क्यों चलाएंगी, उनको तो पता है इस पे भाई ऑडियंस ही नहीं है, तो दिखा के कोई फायदा ही नहीं है। उसी के वजह से वो चैनल लॉस में जाने लगा। हाँ भाई, वो चैनल पूरा लॉस में जाने लगा। उस चैनल पे बस खुद के प्रमोशंस होते थे, मतलब एक प्रमोशन होता है और एक एडवर्टाइजमेंट होता है। प्रमोशन मतलब हम हमारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं उस पर, उसके चैनल को कुछ भी पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो खुद अपनी चीज़ें वहाँ पे प्रमोट कर रहा हो। और एडवर्टाइजमेंट मतलब वो चैनल दूसरे कंपनियों से उनके एडवर्टाइज ले रहा है और अपने चैनल पे चला रहा है, तो उसी चीज़ के पैसे उन्हें मिलते हैं। तो ऐसे ही हुआ कुछ एनिमेक्स के बारे में, उनका पूरा बुरा हाल हो गया। जैसे उन्होंने सोचा, उनको क्या लगा, भाई हम लोग एनिमे हिंदी में डब करना स्टार्ट करेंगे तो भाई हमारा प्रॉफिट एकदम आसमान छुएगा। बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडियन ऑडियंस ने उन्हें कोई भी भाव नहीं डाला, उसी की वजह से उनका जो हिंदी डब का प्लान था, जो कि फुल प्रॉफिट में जाने वाला था, वो पूरा उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया मतलब वो जो डब करके देने लगे, वो उनके वजह से पूरा लॉस में चले गए। और एक टाइम तो ऐसे आया कि उनके पास पैसे नहीं थे अपने जो नेटवर्क कैरियर्स होते हैं उनको पे करने के लिए। जैसे अगर आप आपका चैनल किसी डीटीएच सर्विस पे लगा रहे हो, तो आपको डीटीएच सर्विस वाले को पैसा देना पड़ता है। इतना तक उनके पास पैसे नहीं थे, इसके वजह से जितने भी डीटीएच है, जैसे टाटा स्काय है, बाद में कितने भी डिश टीवी, उन्होंने एनिमेक्स अपने डिश टीवी से निकाल दिया। इसके लिए उनका बुरा टाइम हुआ, उन्होंने सारे हिंदी डब्स तब बंद कर दिए और अपने एनिमे इंग्लिश और जापानीज में एयर करने लगे। पर तो भी आपको बोलते, तभी मैं शोज की बात करता हूँ, कौन से शोज वहाँ पे चलते थे, जैसे टेक्स मैक चलता था, गेम मैक चलता था, एनिमेक्स प्रेस प्ले चलता था, इमेजिनेशन स्पीक्स आउट, टर्मिनेटर चलता था, मूवीज जैसे स्पाइडरमैन 2, कुंफू हसल एंड हेलबॉय, ऐसे भारी भारी शोज वहाँ पे चलते थे। लेकिन भाई वो पूरा डूब गया, हम क्या बोलेंगे, इतना अच्छा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को गाली देने से पहले उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो कि भाई उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। इसी की वजह से उसका डाउनफॉल होने लगा, और फाइनली 2017 में एनिमेक्स ने आके अपना चैनल बंद कर दिया, क्योंकि भाई उसके साथ
या उसके पास कोई भी पैसे बचे नहीं इनको पे करने के लिए। तो गाइस प्लीज मुझे बता देना ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।